बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-2023, फोर ग्रेड 9, कैंटर पब्लिशर, लाहौर, पाकिस्तान। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 7। आज हम अल्लाह की रहमत से सातवां यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रिंसेस सितंबर, शहजादी सितंबर। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, तलबा के सीखने के नतायज, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। डिस्कस हाउ ऑथर्स चूज लैंग्वेज इंक्लूडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रीडर। इस बात पर बहस करें कि मुसन्निफीन ज़बान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। डिस्कस देयर ऑन रीडिंग क्रिटिकली, और बेशमूल अलामती ज़बान कारी पर पढ़ने वाले पर क्या असर डालती है। आस्क द आंसर सिंपल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन टू गाइड असेस रीडिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाई इज़ द ऑथर सेइंग दिस राइट नाउ। यानी कि इनके अपने पढ़ने पर तनकीदी बहस करें। पढ़ने की रहनुमाई जायजा लेने के लिए आसान और आला तरतीब वाले सवालात पूछें और जवाब दें, जैसे मुसन्नफ अभी ये क्यों कह रहा है। व्हाई डिड द ऑथर चूज दिस वर्ड, मुसन्नफ ने इस लफ्ज़ का इंतखाब, ये वर्ड क्यों चूज़ किया है। हाउ इज़ द डिफरेंट फ्राम व्हाट आई रीड समवेयर एल्स, इससे ये इससे मुख्तलिफ कैसे है जो मैंने कहीं पढ़ा है। रीड विद एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त तलफ़ुज के साथ पढ़ना। एप्रोप्रिएट पिच एंड वॉइस वेरिएशन सूटेबल फॉर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेक्स्ट, दुरुस्त तलफ़ुज मुनासिब पिच और आवाज़ के तगायुर के साथ पढ़ें जो ख्याली और गैर अफसानवी मतन के लिए मौजू हो। Examine stage of plot development in fictional text, exposing setting, climax, character development, resolution। यानी कि अफसानवी मतन में प्लाट की तरक्की के मराहल का जायजा लें, जैसे नुमाइश है, तरतीब, अरूज, करार, किरदार की नशोनुमा वगैरह, करारदाद वगैरह। नेक्स्ट है ग्रामर एंड वोकेबलरी, ग्रामर और अल्फाज। यूज कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सियाको सबाक का मतन का इस्तेमाल करें। ईजी फॉर एग्जांपल, द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी जुमले या पैरे के मजमूई मानी को जानने के लिए। पैराग्राफ और टेक्स्ट, अ वर्ड्स पोजिशन और फंक्शन इन अ सेंटेंस एज अ क्लू टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। सियाको सबाक का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर किसी जुमले, पैराग्राफ या मतन के मजमूई मानी, किसी जुमले में लफ्ज़ की पोजिशन या फेल, किसी लफ्ज़ या फिक्रे के मानी या उशारे के तौर पर। ऑब्जर्व, मुशाहदा करें। हाइफनेशन कन्वेंशन, हाइफनेशन कन्वेंशंस का मुशाहदा करें। अप्लाई नॉलेज, अपने नॉलेज को अप्लाई करें। ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तकरीर के हिस्सों में टेंसेस, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड अदर फीचर्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज फंक्शन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मेक अफेक्टिव चॉइसिस फॉर मीनिंग और स्टाइल वाइल रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। समझने के लिए ज़बान के मुख्तलिफ सियाको सबाक में, ये समझने के लिए कि ज़बान किस तरह से काम करती है पढ़ने, सुनने और लिखने के दौरान, मानी या असलूब के लिए मौसर इंतखाब करने के लिए, तकरीर के हिस्सों, अदवार, जुमले की शनाख्त, ग्रामर और अल्फाज की दिगर खसूसियात का इलम का इस्तेमाल करें। आइडेंटिफाई, शनाख्त करें एंड यूज कंपाउंड पोजिशंस एंड प्रोपोर्शनल फ्रेज इन राइटिंग। तहरीर में प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल फ्रेज और कंपाउंड प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करें। आइडेंटिफाई होता है शनाख्त करना, कि इस चीज़ को हम पहचानें कि कंपाउंड कंजक्शंस वगैरह कहाँ इस्तेमाल होती हैं, प्रपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होती है, और प्रपोजिशनल फ्रेज जो हैं इन राइटिंग में वो किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। परफॉर्म और ड्रामा, ड्रामा कोई भी रोल प्ले करना, ड्रामा परफॉर्म करना, रोल प्ले, प्ले स्क्रिप्ट। राइटिंग, लिखना,
इसका मतलब है कि लिखने में हम अपना सेंटेंसेस को, टेंसेस को और ग्रामर के लिहाज से राइटिंग में किस तरह से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनिंग द मैकेनिक्स ऑफ डिवेलपिंग अ बुक रिव्यू रिपोर्ट, किताब के जैसे कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैकेनिक्स की जांच करें। राइट अ बुक रिव्यू रिपोर्ट, किताब का जायज़ा रिपोर्ट लिखें। ये है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। इसकी रीडिंग के बाद, इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, ओरल कम्युनिकेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्या है, हासिलात तालुम, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले मेक योर प्रिडिक्शंस अबाउट द स्टोरी। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले मेक योर प्रिडिक्शंस अबाउट द स्टोरी बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर एंड टाइटल। हमने जो स्टार्ट पे पिक्चर देखी है, ये वाली वो तस्वीर है कि कहानी की तस्वीर और अनवान को देखकर इसके बारे में अपनी पेशींदगोई करें। ये एक प्रिंसेस है और ये केज है, इसके अंदर पैरट है। द किंग एंड क्वीन, बादशाह और मलका ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स, सियाम के बादशाह और मलका की बहुत सी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड, और मलका ने कहा, डेट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि हमें बहुत उलझन होती है ज़्यादा बेटियां होने की वजह से, उनके जो नाम हैं याद रखने पड़ते हैं, इस वजह से हमें बहुत उलझन होती है। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड, बादशाह ने फैसला किया, टू कॉल देम, कि उनको बुलाया जाए, जनवरी जनवरी के नाम से, फरवरी फरवरी के नाम से, एंड मार्च, ये उन्होंने अपनी बेटियों के नाम रखे हैं ताकि उन्हें कोई उलझन ना हो। दो ऑफ कोर्स इन सियाम जबान में, हालांकि सियाम जबान में बुलाया जाए, टिल ही केम टू द यंगेस्ट, जब वो अपनी सबसे छोटी बेटी के पास आए, छोटी के पास आए, जैसे यंगर यंगेस्ट, सबसे छोटी बेटी जो थी उसके पास आए। होम ही कॉल्ड सितंबर, तो उन्होंने उसे सितंबर कहकर बुलाया। द किंग ऑफ सियाम का जो बादशाह था, हैड अ पेकुलर हैबिट, उनकी एक अजीब आदत थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग फ्रॉम देम, बजाय इसके के रिसीव किया जाए या लिया जाए, ही गेव देम गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, वो अपनी सालगिरह पर तोहफे तहाइफ जो थे वो दिया करते थे लेने की बजाय। वन ईयर, एक साल, ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने अपनी बर्थडे पर, सालगिरह पर, एक साल ऐसा हुआ, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कि उनके हाथ में कोई चीज़ भी नहीं थी देने के लिए, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट, उन्होंने अपनी हर बेटी को एक सब्ज तोता, इन अ गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में डालकर एक एक सब्ज तोता हर बेटी को दिया। द प्रिंसेस, शहजादियाँ जो थी, वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने तोतों पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया करती थी। एंड दे स्पेंट एन आवर, और वो गुजारा करती थी एक घंटा, एवरी डे, हर दिन, टीचिंग देम, सिखाने में, टू टॉक, टॉक जो है बोलने में, तोतों को बात करना सिखाने के लिए, हर दिन एक घंटा वो उनसे बात किया करती थी, सिखाया करती थी। प्रेजेंटली, इस वक्त, ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड, उस वक्त क्या था कि सब तोते ये कहना सीख गए थे कि खुदा बादशाह को बचाए। सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली, इनमें से कुछ जो थे वो ये भी कहते थे, प्रीटी पोली, खूबसूरत पोली, इन नो लेस देन सेवन ओरिएंटल लैंग्वेज, सात मशरकी ज़बानों में, कम अज़ कम सात मशरकी ज़बानों में वो प्रीटी पोली, खूबसूरत पोली कह सकते थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, वेन प्रिंसेस सितंबर, जब शहजादी सितंबर, वेन टू से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई टू हर पैरट, अपने तोते को, शी फाउंड, उसने पाया, इट लेइंग, लेटा हुआ, डेड, मुर्दा हालत में, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, जब शहजादी सितंबर जो थी वो गुड मॉर्निंग कहने के लिए अपने तोते के पिंजरे के पास गई, तो उसने उसे सुनहरी पिंजरे के नीचे मुर्दा पड़ा हुआ पाया। शी ब्रस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, उसके आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया, वो आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी।
एंड नथिंग डैट हर मेड्स ऑफ ऑनर्स, जो उसकी नौकरानियाँ थी, और कुछ भी नहीं जो उसके नौकरानियों ने इसे कुड से कंफर्टेड हर तसल्ली दी, कि उसको कंफर्टेबल किया कि कोई बात नहीं, जैसे हम तसल्ली देते हैं जब कोई बुरी खबर मिलती है। शी क्राइड सो मच, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। डेट द मेड्स ऑफ ऑनर, जो उसकी नौकरानियाँ थी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उनको समझ नहीं आ रही थी, वो नहीं जानती थी कि वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड डैट इट वॉज नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। जो उसकी नुकरानियों ने इसे तसल्ली दी, वो इतना रोई कि नुकरानियों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। मलका को बताया और मलका ने कहा कि ये नॉनसेंस है कि बच्चा बगैर रात के खाने के बिस्तर पर चला जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर्स, जो नुकरानियाँ थी, मेड्स ऑफ ऑनर्स थी, वांटेड चाहती थी टू गो टू, जाना अ पार्टी, किसी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से अपने बेड पर भेज दिया। सो दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और जितनी जल्दी हो सका उसे अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल, और जबकि शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, क्राइंग, रो रही थी, स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, उसे वो इतना रो रही थी कि उसे ये भी महसूस ना हुआ कि उसे भूख लगी है, उसने खाना नहीं खाया। शी सॉ अ लिटिल बर्ड, उसने एक छोटा परिंदा देखा, होप इन टू हर रूम, जो कि उसके कमरे में आया हुआ था। She wiped her tears and sat up, उसने अपने आंसू साफ किए और उठ बैठी। Then फिर the little bird, छोटा परिंदा, begins, शुरू हो गया to sing, गाना गाने लगा। And he sang a beautiful song, और उसने एक बहुत खूबसूरत गाना गाया। And about the lake in the king's garden and the willow trees, बेद का दरख्त, that looked at themselves in the still water and the goldfish that glittered in and sarakti thi out of the branches that were reflected in it when he had finished। इसने बादशाह के बाग में झील के बारे में एक खूबसूरत गाना गाया, और बैद के दरख्त जो अपने आप को सकन पानी में देख रहे थे, और सुनहरी मछली जो इन शाखों के अंदर और बाहर सरकती थी और इनमें झलक रही थी। जब वो ख़त्म हो चुका, जब वो गाना ख़त्म हो गया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, शहजादी ने रोना बंद कर दिया, अब वो मजीद नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगेट डैट शी हैड हैड नो सपर, और वो बिल्कुल भूल गई थी कि इसने रात का खाना नहीं खाया था। डैट वॉज़ अ वेरी नाइस सॉन्ग, ये बहुत अच्छा गाना था। शी सेड, उसने कहा, द लिटिल बर्ड, छोटे परिंदे या छोटी चिड़िया, बर्ड गेव हर अ बाओ, बाओ का मतलब वैसे कमान भी होता है, लेकिन यहाँ छोटा परिंदा जो था वो उसे झुक गया, उसके ताबे हो गया या उसके पास आ गया, इसको ये सेंस ज़्यादा बेहतर रहेगी। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ श्योर पैरट, अगर आप मुझे, क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह रखना पसंद करोगे, यानी कि बोस ने झुक कर बात की या कहा। सेट द लिटिल बर्ड, छोटे परिंदे ने, छोटी चिड़िया ने कहा, इट्स ट्रू डैट आई एम नॉट सो प्रेटी, ये सच है कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, सो लुक एट, यानी कि दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर, शहजादी सितंबर, क्लैप्ड हर हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजाई, विद डिलाइट, और खुशी के साथ तालियां बजाई। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड इनटू द एंड ऑफ हर बेड एंड संग हर टू स्लीप, और फिर छोटे परिंदे ने अपने बिस्तर के सिरे पर उछलकर इसे सोने के लिए गाया। When he awoke the next day, जब वो अगली सुबह बेदार हुई, the little bird was still here, छोटा परिंदा अभी तक वहाँ ही था, उसके कमरे में ही था। And as he opened her eyes, और जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, he said, उसने कहा, good morning, good morning, the maids of honor brought in her breakfast, जो उसकी नुकरानियाँ थी, maids of honor थी, वो उसके लिए नाश्ता, breakfast ले आई। And he ate rice out of her hand.
और उसने उसके हाथ से चावल खाए एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर और इसने इसकी तश्तरी में गुसल किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन और सो ब्यूटीफुली और इसने बहुत खूबसूरत अंदाज में दोबारा गाना गाया। डेट द मेल्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, जो उसकी नुकरानियाँ थीं वो बहुत हैरान थीं। फार दे हैड नेवर हैड एनीथिंग, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी थी लाइक इट, इस तरह की। फिर इसने इतने खूबसूरत अंदाज में गाना शुरू किया कि लौंडियाँ हैरान रह गईं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, शहजादी सितंबर जो थी वो बहुत फ़ख्र महसूस कर रही थी और बहुत खुश थी। नाउ अब आई वॉन्ट टू शो यू, अब मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, टू माई 8 सिस्टर, अपनी 8 बहनों को। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। सेड द प्रिंसेस, शहजादी ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर, उसने फैलाई पहली उंगली ऑफ द राइट हैंड, इसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली को इस तरह फैलाया। सो डैट इट सर्व्ड एज अ पिर्च, के वो एक पिर्च की तरह काम करती थी, पिर्च की तरह हो गई। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, छोटा परिंदा नीचे से उड़ा और इस पर बैठ गया, उड़कर इस पर बैठ गया। देन फिर फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर्स, फिर नुकरानियों ने उसको फॉलो किया। शी वेंट थ्रो द प्लेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, इसका बामुहावरा तर्जमा हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी इज्जतदार लौंडियाँ महल से गुजरी और हर एक ने शहजादी से मुलाकात की। एंड फॉर ईच ऑफ देम अ लिटिल बर्ड संग अ डिफरेंट सॉन्ग, जैसे वो मुख्तलिफ सब ने शहजादी से मुलाकात की तो परिंदे ने भी हर एक को अलग अलग गाना सुनाया। बट लेकिन द पैरट्स कुड ओनली से, जबकि वो जो तोता था, जो तोते थे, वो सिर्फ यही कहते थे, गॉड सेव द किंग, अल्लाह खुदा हिफाजत करे बादशाह की, और प्रीटी पोली, खूबसूरत पोली, यानी कि वो जो तोते थे वो ये दो ही लफ्ज़ बोलते थे, या कहते थे गॉड सेव द किंग, खुदा बादशाह की हिफाजत करे, या प्रीटी पोली, प्रीटी पोली। एट लास्ट, आखिरकार, ही शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, आखिरकार उसने, शहजादी ने, छोटा परिंदा बादशाह, अपने माँ बाप को, बादशाह और उसको मलका को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो बहुत हैरान और खुश थे। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से God save the king, said the queen. मलका ने कहा मुझे ये सोचना चाहिए था कि तुम लोगों को ये कहते सुनकर बहुत थक गए थे कि खुदा बादशाह को बचाए। मलका ने यह कहा कि हम ये वर्ड सुन सुनकर थक गए थे। आई कॉन्ट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड, मुझे नहीं पता ये लड़कियाँ क्यों चाहती थी टू टीच देयर पेरेंट्स, के अपने तोतों को ये सिखाती थी टू से इट टू, के उन्होंने ये लफ्ज़ कहने तोतों को सिखाए। मुझे नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने ये लफ्ज़ सिखाए थे। द सेंटिमेंट कहते हैं जज्बे को, इज एडमायरेबल, जज्बा जो है वो काबिल तारीफ है। सेट द किंग, बादशाह ने कहा, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पोली, लेकिन मैं ये सुनकर थक चुका था कि वो तोते बार बार यही बात करते थे। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो इसे 7 मुख्तलिफ ज़बानों में कहते थे। सेट द प्रिंसेस, शहजादियों ने कहा। आई हियर से दे डू, सेट द किंग, बादशाह ने कहा, मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि वो ऐसा करते थे। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई कॉन्सर्ट्स, लेकिन मुझे ये अपने कॉन्सल्स की बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट,
वो एक ही बात को 7 मुख्तलिफ तरीक़ों से कहते हैं और इनके कहने से इनका कोई मतलब नहीं है। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, प्रिंसेस जो हैं, शहजादियाँ जो हैं, इस बात पर परेशान हो गई। एंड पैरट लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और तोते वाकया ही बहुत बदमिजाज लग रहे थे। बट लेकिन प्रिंसेस सितंबर, जो शहजादी सितंबर थी, रेन थ्रो भाग रही थी ऑल द रूम्स ऑफ द प्लेस, पैलेस जो था, महल जो था, उसके कमरों में आ जा रही थी, सिंगिंग लाइक अ लार्क, और लार्क की तरह गा रही थी। लेकिन शहजादी सितंबर महल के तमाम कमरों में घूमती फिरती रही, एक लार्क की तरह गाती रही। वाइल जबकि द लिटिल बर्ड फ्लू अराउंड एंड अराउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, जबकि छोटा परिंदा इसके गिर्द चक्कर लगाता हुआ शबाब की तरह गाता रहा। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, और अब 8 शहजादियों ने सर जोड़ लिए। दे वेंट टू सितंबर, वो सितंबर के पास आई। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। इन अ सर्कल अराउंड हर, उसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर बैठ गई। माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर, दे सेट, उन्होंने कहा। वी आर सॉरी, हमें बहुत अफसोस है फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट, आपके तोते के मरने का हमें बहुत अफसोस है। इट मस्ट बी डेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, हमें ये अफसोस है कि हमारे पास हमारे जैसा कोई भी परिंदा, पालतू परिंदा नहीं है। सो वी हैव आल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर, हम सब अपनी जेब खर्च, जो पॉकेट मनी हमें मिलती है, उसको जमा करती हैं। एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड शैलो पैरट, और हम जाते हैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सबसर पीला तोता ख़रीद लाते हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, आपका शुक्रिया किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि वो कहती है मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सेट सितंबर, सितंबर शहजादी सितंबर ने कहा। आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास एक पेट बर्ड है, विच सिंग्स अ मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, जो मेरे लिए बहुत दिलकश अंदाज में गाता है। एंड आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता, व्हेन ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड शैलो पैरट, मैं नहीं जानती कि ज़मीन पर मुझे सब्ज़ और पीले तोते के साथ क्या करना चाहिए। वेल, ठीक है माई डियर, मेरे प्यारे, दे सेड, उन्होंने कहा। अब वो 8 शहजादियाँ कहती हैं, ठीक है मेरे प्यारे, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। अब वो कहती हैं कि आपके परिंदे के बारे में बात करना मज़ाक़ खेज़ है, जब छोटा साथी अपनी पसंद के मुताबिक अंदर बाहर उड़ता है। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड ट्राइज़ देयर आईब्रोज, उन्होंने चारों कमरों की तरफ नज़र दौड़ाई और आबरू उठाए, अपने जो आईब्रोज हैं, अबरू हैं, वो उठाए। डू यू माइंड यू आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, क्या आपको हमारे पूछने पर इतराज़ है कि अब आपका परिंदा जो है, वो छोटा परिंदा तुम्हारा, वो किधर है। दे सेट, उन 8 शहजादियों ने कहा। ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट टू हर फादर इन ला, वो शहजादी सितंबर कहती है कि जो छोटा परिंदा है वो अपने ससुराल गया है, अपने ससुराल से मिलने गया है। सेट प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो वापस आएगा, कि वो अपने ससुराल से मिलने गया है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा। वो ये क्वेश्चन मार्क है आगे, वो सवाल पूछती हैं कि परिंदे तो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, वापस नहीं आते, क्या वो वापस आएगा। आस्क द प्रिंसेस, शहजादियों ने कहा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आता है। सेट सितंबर, शहजादी सितंबर ने कहा। वेल माई डियर, ठीक है मेरी प्यारी, सेट द 8 प्रिंसेस, 8 शहजादियों ने कहा। इफ़ अगर यू विल टेक योर टेक अवर एडवाइस, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक डैट, अब वो कहती हैं कि अगर तुम हमारी नसीहत पर अमल करोगी तो तुम्हें कोई ख़तरा या रिस्क नहीं होगा। इफ़ अगर,
ही कम्स बैक, वो वापस आता है, एंड माइंड यू, और तुम याद रखना, इफ़ ही डज, और अगर वो करता है, इधर तक ही हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। इफ़ ही डज से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग करेंगे। इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तकरीबन 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अगर हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो ये एक घंटे की से ऊपर वीडियो चली जाएगी। आज हम इसको हाफ़ आज कर लेते हैं इस वीडियो में, और हाफ़ इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।